A pleasant good morning to all of you. आज हम लोगों को एक पोएम पढ़ना है। दो चैप्टर के बाद आपने देखा होगा अपने बुक में पोएम है आप लोग किस पोएम ब्लॉक सिटी। ब्लॉक मीन्स क्या होता है? ब्रिक। और सिटी मीन्स टाउन। ब्रिक से बना हुआ ब्लॉक से बना हुआ टाउन। ये टाउन कैसा है? आपके छोटे से बच्चे हैं, आपसे टाउन की बातें हो रही है। यहाँ देखो जो कंपोजर है इस पोएम के, वो आपको एक थिएटर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। आपका जो टॉय ब्लॉक है जिससे आप बिल्डिंग्स बनाते हैं घर में बैठे बैठे, उसी को लेकर उन्होंने एक इमेजिनरी पोएम तैयार किया है। इमेजिन किया है कि आप भी एक बिल्डर हो, ठीक है। पोएट का नाम तो क्या है, फेमस पोएट है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। आपने स्टैंडर्ड 3 में भी इनके पोएम को पढ़ा होगा, मुझे याद अच्छी तरह से 10वीं पढ़ा था आपने, ठीक है ना। ही इज अ नेचर लवर, वो नेचर को बहुत पसंद करते हैं, प्रकृति से हमेशा अपने थिंकिंग को जोड़ते हैं। इस पोएम में इन्होंने ये किया है, उन्होंने इमेजिन किया है जस्ट अ बॉय हु हैज मेनी ब्लॉक्स टू मेक पैलेस बिल्डिंग हाउस गार्डन इट इज ही एंड फ्रॉम दिस ब्लॉक्स ही मेड ब्लॉक सिटी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या उन्होंने बनवाया है बच्चे से, तो बच्चे को क्रिएशन से जोड़ते हैं। उन्होंने ये सोचा है कि जब छोटे छोटे बच्चे तुम लोग उस पोएम को पढ़ोगे तो तुम लोग भी अपने पोएम को ढूंढना शुरू करोगे और उससे कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो वहां उन्होंने क्या बनाया है, वो बच्चा ब्लॉक लेकर के एक बड़ा सा महल बनाता है, उसको कहते हैं कि तुमने जो महल बनाया सिटी बनाई। तो आस पास की किसी भी सिटी में क्या क्या चीजें होती है, चर्च होता है और टेम्पल्स होते हैं, महल के आस मतलब महल के पास बड़ा बड़ा नदी समुद्र भी होता है जनरली, तो उसका भी उन्होंने उसमें वर्णन किया है। वो कहते हैं कि चाइल्ड यू हैव टू इमेजिन इन योर ओन रूम दैट इट इज अ हिली एरिया, योर फर्नीचर लाइक सोफा इज लाइक माउंटेन and your green carpet which is on your floor is like a valley। तुमको सोचना है और इस तरह से उस वर्ल्ड को बनाकर अपने आप को बहुत प्राउड फील करना है। ऐसा ही उन्होंने इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी को लिखा है जो अपने ब्लॉक से पैलेस का निर्माण करता है और किसी भी सिटी में जितनी चीजें होती हैं जैसे सीसोर है, जैसे टेम्पल है, जैसे चर्चेज हैं, वो सब बनाता है। उसके बाद सारी चीजें तैयार करने के बाद वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है क्योंकि ही इज द किंग ऑफ हिज ओन पैलेस विच इज मेड बाय हिम। तो इन्होंने किसी भी बच्चे को इस पोएम के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि यू मे बी ऑल्सो अ क्रिएटर, यू हैव मच स्किल, सो यू हैव टू सर्च ओनली स्किल एंड मूव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो इस पोएम को अच्छे से पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, इसके वर्ड मीनिंग को याद कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।